रविंद्र आनंद जी केजरीवाल की रैली हुई, अरविंद केजरीवाल जी पॉजिटिव हो गए, उनके उनके स्वास्थ्य की कामना हम लोग करते हैं, जल्दी वो ठीक हो जाएं। इसके बावजूद देखिए, इसके बावजूद कम से कम 10 दिन पहले की बात करें, किसकी रैली हुई नहीं हुई हटा दीजिए, इवन हम राहुल गांधी की बात करें उनकी रैली को भी हटा दीजिए, अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी कई रैलियाँ कर चुके हैं उसको भी हटा दीजिए। आप लोग को तो सब कुछ पता था, दिल्ली में इतनी तेज़ी से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, लोग बीमार हो रहे हैं, इसके बावजूद इस तरह की रैलियाँ और जनसभाओं को कराने का क्या क्या मतलब था? और यदि अभी इस वक्त उत्तराखंड के हालात को आप देख रहे हैं तो क्या लग रहा है, चुनाव 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 या कोरोना कोरोना कोरोना, क्या क्या पसंद पड़ेगा आपको? देखिए गौरी शंकर जी, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है तो हमने दिल्ली के अंदर बहुत सख्ती की हुई है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि यहाँ की जो सरकार है उसको हम कई बार कह चुके हैं कि कोरोना पर बड़े कदम उठाने की जरूरत है और जिस प्रकार से इस समय पुष्कर धामी जी, लेकिन उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, कोई भी निर्णय लेने में बहुत उनको कदम स्किप होने पड़ रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी है। क्या बताइए ना, क्या क्या किया जाना चाहिए, सलाह दीजिए ताकि सरकार के पास जाए, अगर सरकार लचर है, सरकार नहीं सुन रही है तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या कहेंगे, क्या क्या एक व्यवस्था चाहते हैं वो? बिल्कुल, देखिए मैं इसमें आधिकारिक तौर से अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूँ कि एक तो सभी रैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि अब दिन प्रतिदिन कोरोना बड़ा हो रहा है, कोरोना बढ़ रहा है और केस बहुत डिवाइड मतलब कैलकुलेट हो रहे हैं बहुत जल्दी से। तो मेरा ये कहना है कि एक तो सभी प्रकार की रैलियों पर चाहे हम करें चाहे कोई करें प्रतिबंध लगे, साथ ही जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने पहले भी सख्ताई करी है और उसी प्रकार से सरकार को चाहिए कि निर्देश करे, और क्योंकि केंद्र में भी सरकार है राज्य में भी सरकार है, कोई बहुत समस्या नहीं आनी चाहिए, गाइडलाइंस पहले से ही ओपन है कि जब केस इतने बढ़ेंगे तो इस प्रकार से एसओपी आएगी, जब और केस बढ़ेंगे तो ऐसे एसओपी आएगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुष्कर धामी जी, क्योंकि हम पुष्कर धामी जी को बहुत समय कह रहे हैं कि पुष्कर धामी, हमने उनका नाम ही रखा है पुष्कर धामी, तो हम उन्हें कह रहे हैं कुछ करिए आप, और हम इसके लिए चिंतित है जिसकी प्रकार के। चलिए ठीक है, एक बात बताएं रविंद्र आनंद, इसके बाद मैं बात करूंगा गौर साहब से, एक बात बताएं, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अभी तक आप लोगों ने, अगर हम कल से ही बात करें तो कल से लेकर अभी तक है ना, 24 घंटे के अंदर केसेस बढ़े हैं, कल से लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए क्या क्या एहतियात बरत रही है, जरा बताइए सर। देखिए कोरोना को देखते हुए सबसे पहला एहतियात यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग थे उन सबको आइसोलेट कर दिया गया है और उन्हें निर्देश किया गया है कि वो किसी भी जनसभा किसी भी कार्यालय और कहीं भी मार्केट वगैरह में नहीं जाएं, वो 7 दिन तक। चुनाव प्रचार आप लोगों का कैसा चल रहा है ये बताइए रविंद्र आनंद जी, किस तरीके से कर रहे हैं चुनाव प्रचार? हमारा ठीक चल रहा है। कैसा कैसे कर रहे, किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए आज का समय सब डिजिटल है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग लग जाए, नहीं डिजिटल के अलावा फिजिकल में क्या कर रहे हैं आप लोग, आपके कार्यकर्ता जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं आपके कांग्रेस के और जो बाकी नेता हैं वही कुछ मीटिंग सीटिंग तमाम तरह की चीजें चुनाव के पहले होती है सब चीजें चल रही हैं, उसे बरकरार हैं, उस पर आप लोगों ने रोक लगाया है या नहीं लगाया? रैली वाली तो बात ही नहीं बोल रहे हैं, क्यों 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 नहीं, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं रविंद्र आनंद जी आप? मैं दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ, धैर्य रखिए, मैं दे रहा हूँ। साथ ही हमने ये कहा है कि जो भी क्योंकि कल से मौसम भी बिगड़ा हुआ है उत्तराखंड का और आगे भी 3-4 दिन तक मौसम खराब रहने की उम्मीद है, तो ऐसे में सभी प्रकार के कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं, सभी प्रकार की रैलियां भी स्थगित कर दी गई हैं। मतलब आप लोग अपने लेवल से, आप लोग अपने लेवल से इसको किए हो, यही कह रहा हूँ ना रविंद्र आनंद जी, अपने लेवल से आम आदमी पार्टी ने सभी रैलियां जनसभाएं स्थगित की हैं और बकायदा भी डिजिटली आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यही कह रहे हैं। चलिए ठीक है।